गांवों में अगर हम जाए तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो SDM ऑफिस में जाने से पहले डरते हैं कि यार हम उनके सामने कैसे जाए और हम कैसे उनसे बात करें, और छोटे छोटे अधिकारी इवन पटवारी से भी मिलने के लिए वो डरते हैं। तो मैं वो चीज़ एक दूर करना चाहता हूँ कि थोड़ा फेमिलियर हो जाए वो भी। एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर होने का सफर आसान नहीं होता, फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे जो टॉपर्स हमारे शो पे आते हैं, जो इस सक्सेस को भी अपने ओर ले ही आते हैं। हाय एवरीवन, आई एम फियोना, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही टॉपर है जो राजस्थान के पाली जिला से आए हैं और उन्होंने RPSC RAS 2016 के एग्जाम में रैंक 1 हासिल किया था। आइए, लेट्स वेलकम भवानी सिंह चारण। थैंक यू। हाय भवानी, हाय फियोना, हाउ आर यू? थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको बैंगलोर में, पहली बार है आपकी? बिल्कुल, ये मेरा पहली बार है बैंगलोर में, मुंबई से साउथ में फर्स्ट टाइम। ग्रेट ग्रेट। तो भवानी, यू नो, रैंक 1 पहली तो बहुत बड़ी बात है, तो कुछ बताओगे हमें कि लाइक जब आपको ये रैंक 1 आया था, क्या था आपका फर्स्ट मोमेंट? जी, 17 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला था, तो मॉर्निंग से ही ये तो पता चल गया था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, तो या तो लेट नाइट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं या इवनिंग में आ जाएगा। तो मेरा हमेशा से इवनिंग का ये फिक्स रहता है कि मैं मतलब स्पोर्ट्स खेलने जरूर जाता हूँ, तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा था उस टाइम। और मुझे ऐसा लग रहा था हाँ रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं लेट नाइट तक आएगा। जी जी। तो जितने में मैं बैटिंग कर रहा था उतने में काफ़ी फ़ोन आने लग गए, तो मुझे ऐसा तो महसूस हो गया कि शायद रिजल्ट आ चुका कुछ है, तो हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने सोचा एक बार कंटिन्यू करते हैं और एक रफ शॉट खेला ताकि फटाफट फोन उठा के मैं देख सकूं रिजल्ट आया कि नहीं आया। और उस जैसे ही मैं कैच आउट हो गया उस शॉट में, कैच आउट हो गया। अच्छा, तो मतलब ध्यान तब तक तो भटक चुका था गेम से। और उसके बाद जैसे ही मैंने फोन उठाया तो मेरे एक फ्रेंड है विशाल, तो उनका फोन था, तो उन्होंने पहले मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया है और मेरे भाई है छोटे, उनकी 303 भी रैंक लगी है। तो मैंने उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा रिजल्ट पूछा, तो मैंने कहा अभी तक मैंने देखा नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने जितने में कहा कि ETV न्यूज पे एक पट्टी चल रही है भवानी सिंह पाली से जो है फर्स्ट रैंक है, तो एकदम मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कैसे कैसे। तो उन्होंने मुझसे रोल नंबर मांगे, मैंने रोल नंबर दिए, फिर उन्होंने कहा हाँ ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा हुआ है। तो एक बार तो मैं सरप्राइज हो गया, मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। फील्ड में क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन? फील्ड में मैंने मतलब सबसे पहले यही सोचा अब घर पे भागना है। Okay. और जाके घर पे बताना है। जी जी। तो उतने में फिर काफी फोन आ गए ETV से, RPSC सेक्रेटरी का भी फोन आया, फिर मैंने घर पे मम्मी को फोन करके बताया। तो मैं काफी बार मतलब ऐसे झूठ बोल देता हूँ फोन पे कुछ भी और ऐसे मजाक कर लेता हूँ, तो उनको भी यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा फर्स्ट रैंक है मेरी और रिजल्ट आ गया, तो उन्होंने कहा तू मजाक कर रहा होगा। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इतने रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो कभी मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है मैं हासिल कर सकता हूँ। तो उसके बाद पापा ने भी कहा एक बार और चेक कर ले, श्योर है तो मैं दूसरों को भी बताऊं। किसी को यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल था। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल सच बात है और काफी न्यूज चैनल से भी फोन आ रहे हैं, सब घर पे पहुंचने वाले हैं। तो बहुत ही, और घर पे पहुंचते ही अगले एक हफ्ते तक मेले जैसा ही था, मतलब इतने सारे लोग। तो मतलब वो पहला दिन तो मतलब क्रेजी रहा, बिल्कुल भूल ही नहीं सकते उस दिन को, अभी भी ऐसा लगता है पूरा सामने ही चल रहा है वो। तो भाई भवानी, ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि सक्सेस कभी आसानी से मिलती नहीं है, और आपका मैंने बहुत जगह में पढ़ा है कि आप हमेशा सबको कहते हो कि कितनी यू नो हाउ एवरीवन शुड कीप पुटिंग एन एफर्ट, और कभी सक्सेस के पीछे अगर आप जा भी रहे हो मेहनत हमेशा करते रहो। तो लाइक ये जो आपकी रैंक आई है, ये क्या आपका पहले ही अटेम्प्ट में आ गया था या इससे पहले भी आपने तैयारी की? नहीं, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, 2013 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरी 696 रैंक थी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई है। वाओ, तो मतलब 696 से फर्स्ट रैंक। जी। तो ये जो हुआ 3 सालों के बीच, तो 696 जब आपका रैंक आया था तब ऑब्वियसली आपने कुछ गलतियां अपनी नोट की होगी, तो वो क्या थी ऐसी गलतियां अगर आप हमारे लर्नर्स को बता सको, यू नो समथिंग जो आपने खुद समझ कर आपको लगा कि चलो ये गलतियां नहीं करते हैं, उसके बाद तो रिजल्ट सबको ही पता है रैंक 1। RAS 2013 में मुझे ये लगा कि तैयारी अच्छी थी, मैंने काफी पढ़ाई की थी, सिलेबस भी 2-3 बार पढ़ा था। मुझे जो सबसे बड़ी मिस्टेक लगी मेंस में वो ये थी कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं एग्जाम हॉल से बाहर आकर मतलब अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे लग रहा था कि यार मेरे आंसर्स में ये कमियां रही है। उसके बाद जब मेंस में नंबर कम थे तो इंटरव्यू भी मैंने उतना एफर्ट्स नहीं डाले, ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दिए, इसी तरह इंटरव्यू में भी मार्क्स कम आए। तो इस बार मैंने ये दोनों चीज़ें की, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की, और उसके बाद मुझे काफ़ी मैं कॉन्फिडेंट था मेंस के बाद कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं,
और उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू भी काफी दिए, अराउंड 20 to 25 मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए ताकि इंटरव्यू में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो ये मॉक इंटरव्यूज आपको लगता है बहुत ही काम आते हैं? बहुत यूजफुल है, परफेक्ट परफेक्ट। तो अब जब भवानी आप बता ही रहे हो कि आपकी आपने ऑब्वियसली समझा बताया हमें कि आपकी गलतियां क्या थी जिससे आप समझे थे, तो एक चीज जो मुझे पता चली है कि आप फिलहाल टीचर भी हो, राइट? तो एक टीचर में टीचर होते हुए आप कितने घंटे मतलब स्कूल पे कितने घंटे चले जाते हैं? जी, स्कूल मेरा लगभग 7-8 घंटे का होता है और 8 से 2 का टाइम है, लेकिन 1 घंटे स्कूल जाने का 1 घंटे आने का, तो लगभग 8-9 घंटे जो है मेरे स्कूल में निकल जाते हैं। तो उसके साथ थोड़ा पढ़ाई करना डिफिकल्ट रहता है, तो उसमें मैंने यही टाइम मैनेजमेंट या यही स्ट्रेटेजी बनाई कि कम से कम मैं 6-7 घंटे जो है डेली पढ़ने के लिए कैसे भी करके निकाल नहीं निकालने। तो जैसे बस में अगर आधा 1 घंटा बस में पढ़ लिया, 1-2 मेरे खाली पीरियड होते हैं, मेरे पास 5 क्लास थी, 5 क्लास में पढ़ाता था साइंस को, तो मेरी 2 क्लास के आसपास खाली थी, तो उसमें मैंने पढ़ाई की, घर पे आके रात को 3-4 घंटे निकाले। तो ऐसे करके कैसे भी करके मेरा ये फिक्स था कि पर डे मुझको मिनिमम 6 आवर्स जो है वो निकालने ही निकालने हैं। फिर हर सेकंड डे मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो हर सेकंड डे मैं टेस्ट सीरीज भी देने जाता था। तो आपने कहा आप अपने घर से स्कूल तक जाते थे, टाइम लग जाता था बस में, कितना टाइम लगता था इस सफर? ये अराउंड 45 किलोमीटर दूर था, तो लगभग 1 घंटा जो है वो बस में जाता था जाने में और 1 घंटा आने में। और उसी जर्नी के बीच आप पढ़ाई भी कर लेते? हाँ, उसमें अगर जैसे सीट, कई बार सीट नहीं मिलती तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर सीट मिल जाती तो आराम से वहाँ पर भी बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ लेते या रिवीजन कर लेते या करंट अफेयर्स पढ़ लेते, जो मतलब ज्यादा जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ऐसे टॉपिक उस टाइम में पढ़ लेता। ओके, तो जैसे कि बहुत लोग जब पढ़ाई करते हैं उनका ये कहना होता है कि भाई डिस्टर्बेंस हो गया, लोग घर पे कुछ हो रहा था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, एंड ऑल। तो आप सफर करते हुए भी पढ़ाई कर देते, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते होंगे? डिस्टर्बेंस तो होते हैं, लेकिन मैंने ये एक चीज फील की है कि हर आदमी का एक नेचर होता है, तो किसी का नेचर ही ऐसा हो जाता है वो बहाने बनाना या लग जाता है, तो उसके पास हर चीज के लिए बहाने होते हैं। बाकी अगर आपको कुछ करना है और आप एक बार डेडिकेटेड हो जाओ कि नहीं मुझे कैसे भी करके इस सिलेबस को 3-4 बार पढ़ना है और उसके बाद लिखने की फुल प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्जाम देना है, तो आप कहीं से भी टाइम निकाल सकते हो, फिर कोई बाधाएं नहीं है, फिर डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ फील नहीं होता, बस आपको अपना टारगेट दिखता है कि बस यहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो भवानी, आपने जैसे हमें कहा कि आप एक स्कूल टीचर भी हो, तो बेसिकली आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, तो आप थोड़ा बताएं कि हमें एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या होनी चाहिए, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या प्रिपरेशन टाइम टेबल, ऐसे मतलब जो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हो या एक नॉन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए? मेरे हिसाब से जो है टाइम मैनेजमेंट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा यूं डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जॉब में कुछ डिस्टर्बेंस तो होती ही है कि आपको कुछ कोई स्टाफ में कुछ कह देता है जिसके कारण आपके दिमाग में फिर पढ़ाई करते टाइम भी वो बातें चलती रहती है, तो उस तरीके से देखें थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अगर अच्छे से कर लो, जैसे आप एक चीज सोच लो 6-7 घंटे आपको डेली निकालने ही निकालने, तो नाइट में आप निकाल सकते हैं 2-3 घंटे, अर्ली मॉर्निंग आप 1-2 घंटे निकाल सकते हैं, फिर आपकी जो जॉब के साथ आपको जो भी फ्री टाइम मिल रहा है उसमें आप टाइम निकाल सकते हैं, ऐसे करके आप कर सकते हो। और बाकी मैंने एग्जाम से, जैसे जब मेंस का एग्जाम था तो उससे 1 महीने पहले छुट्टियां ली थी ताकि उसमें मैं 8-9 घंटे 10 घंटे ताकि मैं क्विक रिवीजन कर सकूं, तो इस तरीके से मैंने प्लान किया कि एग्जाम की डेट से 1-1.5 महीने पहले मैंने छुट्टियां ली और उसमें मैंने ज़्यादा टाइम निकाला पढ़ने के लिए। और बाकी जो नॉन वर्किंग है उनके लिए तो और इजी हो जाता है, उनका तो सिर्फ काम ही पढ़ना है, उनके लिए कोई जॉब तो कुछ है ही नहीं, पार्डन, बस ठीक है आपको पूरे दिन पढ़ना है जब भी टाइम मिले, जब आप बोर हो जाते हो, जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तब आप थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो, तो उनके लिए तो और ज्यादा इजी है। परफेक्ट। तो आपने जैसे बोला कि जब बोर हो जाते हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट निकाल लेना, तो आपने अपने अटेम्प्ट के टाइम या प्रिपरेशन के टाइम आपने क्या किया था, मतलब आप वो बैलेंस कैसे लेके आते थे? मैं डेडिकेटेड था, बहुत सीरियस था इसको लेके, लेकिन मैं कभी भी मतलब डिप्रेस नहीं था या स्ट्रेस में नहीं था इस एग्जाम के। जब भी मुझे लगता है कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो कोई अच्छी मूवी देख ली, या मुझे खेलने का काफी शौक है, और मैं स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्कूल डेज शायद ही ऐसी कोई इवनिंग रही होगी जब मैं खेलने नहीं गया हूँ, क्रिकेट, राइट? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मोस्ट ऑफ टाइम क्रिकेट, तो उसके लिए टाइम निकालना, उससे क्या होता है कि आप लंबा खेल सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि आप 2-3 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, 11-12 घंटे भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर आप कंटिन्यूस इतना नहीं कर सकते, तो उसके लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी एनर्जी जरूरी है, तो आपकी हॉबी या कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट जो है वो आपको एनर्जी देता है, आप वापस एकदम रिफिल हो जाते हो, आपकी जो मतलब कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है।
परफेक्ट. तो आपने भवानी हमें ऑब्वियसली बताया आप कैसे पढ़ते थे, कैसे मैंने टाइम निकाल कर आप यू नो अपने रिविजन करते थे. तो कुछ ऐसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने आपको पूछा होगा, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि मेजर जो रिसोर्सेज थे आपने यूज या रेफर किए पढ़ने के लिए अपने प्रिपरेशन में, वो क्या थे. और कोई ऐसा रिसोर्स जो आपको लगता है बहुत कॉमन या बेसिक नहीं है मगर आपको मिला था और आपने यूज किया था और आपके लिए फायदेमंद रहा है. रिसोर्सेज में बात करें तो वैसे तो जो ऑथेंटिक मैटर्स के ऊपर मैंने ज्यादा कंसंट्रेट किया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इनमें काफी ऑथेंटिक मटेरियल, काफी अच्छी बुक्स जो है वो मिल जाती है. और राजस्थान में हिंदी में काफी मटेरियल मिल जाता है, लेकिन आरएएस का भी अगर सिलेबस देखे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस भी है, तो उसमें कोई अच्छी बुक डेप्थ में पढ़े तो इतना टाइम नहीं होता. तो उसमें मैंने काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स या गाइड्स वगैरह, जहां से भी जो टॉपिक मुझे अच्छा लगा वहीं से मैंने वो पढ़ा. फिर दूसरी जगह से उसको नहीं पढ़ा. मैंने एक बार देखा कि अकाउंट्स का ये टॉपिक इस बुक में अच्छा है या इस इंस्टीट्यूट के नोट्स में अच्छा है, तो इस तरीके से मैंने, मतलब बाउंडेड नहीं था कि बस यही करना है. जहां से भी जो भी अच्छा टॉपिक मिला वहां से मैंने उसको पढ़ा फिर. ग्रेट ग्रेट. तो भवानी मुझे बताया आपने हिंदी मीडियम से अपना अटेम्प्ट दिया था, राइट? तो क्या लगता है आपको कि कुछ डिफरेंस होता है अगर कोई लर्नर अगर या कोई एस्पिरेंट अगर इंग्लिश मीडियम से देता है या हिंदी मीडियम से देता है, आपको लगता है इन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा वेटेज पड़ता है अगर कोई किसी स्पेसिफिक मीडियम से देता है? अगर आरएएस में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है. हिंदी मीडियम वाले भी काफी सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आरपीएससी में तो कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई भी मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो रख सकते हो. तो आप बोल रहे हैं आरपीएससी में कोई वो नहीं है, तो आपको लगता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले को अगर सपोज यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ी तो उसमें डिफिकल्टी होगी? वहाँ थोड़ा मुझे फील होता है कि शायद सिलेक्शन रेशियो जो है, अगर देखे टॉप 100 या टॉप 200 में हिंदी मीडियम से बहुत कम होते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है एक तो शायद मटेरियल भी इतना अच्छा नहीं मिलता. तो भवानी आपने ऑब्वियसली पहले रैंक अटेम्प्ट में आपने कहा 696 था, उसके बाद आपने इतना कुछ किया और फाइनली रैंक 1 आ गया, तो इस पे कुछ असर था कोचिंग सेंटर्स का या कम्प्लीटली आपका सेल्फ प्रिपरेशन था? कोचिंग सेंटर्स का मुझे ऐसा लगता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा फायदेमंद है, बाकी जो एक दो साल से जिन्होंने एक दो साल पढ़ाई कर ली है कम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं होता कोचिंग में. मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैं बिगनर था, जब मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ना है, कैसे फैक्ट याद करें, तो उस टाइम मैंने कोचिंग की थी लगभग 12-13 में सेकंड ग्रेड सिलेक्शन से पहले. अच्छा. तो उस टाइम वो फायदेमंद रहा, उसके बाद मैंने कभी कोचिंग नहीं की, फिर सिर्फ इस बार एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. बाकी कोचिंग का 5-10% रोल मैं कोचिंग का मान सकता हूँ, बाकी 80-90% रोल तो सेल्फ स्टडी का ही होता है. परफेक्ट. तो अभी आपने हमें इतना कुछ तो बता दिया भवानी, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप हमारे सारे लर्नर्स को बता सके, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या नॉन वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो आपने भी यूज की, आपकी सक्सेस की थी और जो उन वो भी यूज करके डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं? तो आप जो आरपीएससी और जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं यही, मेरी स्ट्रैटेजी मैं यही बताऊंगा कि आप जितना सिंपल रखें उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि जो तैयारी करने वाले होते हैं वो गाइडेंस के पीछे या स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे ही ज्यादा भागते रहते हैं. जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं और कोई टॉपिक पढ़ते पढ़ते अचानक लगता है कि यार कल से इसको इस तरीके से और इस तरीके से यूं करके पढ़ेंगे, तो वैसा नहीं करें. जो भी टॉपिक्स जो है वो क्लियर करते जाएं और हमेशा अपना एम ये रखें कि मुझे अराउंड 400 मार्क्स जो है वो लेके आने हैं. तो अराउंड 400 मार्क्स लाने के लिए आपको फोर्थ पेपर जो है वो बहुत हेल्प करेगा, तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से करते हो और वहाँ पर अगर आप 115 का टारगेट रखते हो तो बाकी जगह एवरेज मार्क्स लाने थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि आप अच्छा आंसर लिखते हो, आपकी लिखने की प्रैक्टिस है, तो आपको एवरेज आंसर मार्क्स हर जगह मिलते हैं, तो वहाँ पर आपके अराउंड 100 आ जाते हैं और आराम से आपके जो है 400 से अबव मार्क्स आ जाएंगे. फिर इंटरव्यू अगर आपका एवरेज भी होता है तो आसानी से जो है आपकी जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगी. तो बहुत सिंपल रखे और प्रत्येक टॉपिक को कवर करते जाए और उसके बाद जो भी है फोर्थ पेपर के ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस करें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की ग्रामर में ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं. चलिए क्या बात है, आई एम श्योर ऐसी स्ट्रैटेजी अगर किसी ने अपना ली तो डेफिनेटली मतलब सक्सेस तो उनके लिए भी है. तो ये जो गोल है ये आपने कब, लाइक कब ये सबसे पहले आपके पास आया कि भाई मुझे आरएएस बनना है? फियोना जी, मैं वैसे रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो 12th तक तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है. 11th के सब्जेक्ट जो है वो भी हम, मतलब हमारा फ्रेंड कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है उस हिसाब से चूज करते हैं, सारे की क्लास में रहेंगे. लेकिन जैसे ही मैं जोधपुर आया तो उस टाइम भी मेरा जो ज्यादातर ध्यान था वो कॉलेज में ही रहा, लेकिन आफ्टर डूइंग बीएड मुझे, मतलब ये क्लियर हो गया कि मुझे टीचर का एग्जाम तो
देना ही है और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डिजर्व मोर देन दिस, तो मैं इससे अच्छा भी कर सकता हूँ. तो फिर मैंने एक एम बनाया कि आरएएस में मुझे ट्राई करना चाहिए. तो फिर उस टाइम बीएड के बाद मैंने ये फिक्स किया कि टीचर और आरएएस इन दोनों के लिए मैं कम्पीट करूँगा. अब इतना कुछ जब हमने सुन लिया है राजस्थान के बारे में, आप की प्रिपरेशन एंड ऑल के बारे में, अब क्योंकि अगर आप एक टीचर थे जब आपने ये अटेम्प्ट भी दिया और अब आप एक रैंक वन हो, एक आरएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तो कुछ आपने सोच के रखा है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, आप क्या करना चाहते हो राजस्थान के लिए, या स्पेशली सिंस आप एक टीचर थे, कोई एजुकेशनल या सोशल चीजें जो आपको लगती है जिसपे आप चेंजेस लाना चाहोगे? कुछ चेंजेस मैं लेके आना चाहूंगा. जैसे एक दो चीजें मुझे फील होती है कि एक तो गाँव में अगर हम जाए तो वहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि वो एसडीएम ऑफिस में जाने से पहले डरते हैं कि यार हम उनके सामने कैसे जाए और हम कैसे उनसे बात करें, और छोटे छोटे अधिकारी इवन पटवारी से भी मिलने के लिए वो डरते हैं. तो मैं वो चीज एक दूर करना चाहता हूँ कि थोड़ा फेमिलियर हो जाए वो भी, क्योंकि एट द लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आके, वो उनका उद्धार करना है, उनके लिए काम करना ही एक तरीके से. और दूसरा, मैं एजुकेशन के लिए मैंने ये देखा है कि आजकल जो है सरकारी स्कूलों के प्रति माता पिता का रवैया जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा, और उनको प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, वहाँ पर इतनी इतनी फीस भरते हैं. और उस चीज़ को मैं दूर करने के लिए थोड़ा सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ाना चाहूँगा गांव में जाके. तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई तैयारी करता है, जितने भी टॉपर्स की कहानियाँ हमने सुनी है, फैमिली हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है, राइट? और मुझे पता है कि आपके पिताजी हेडमास्टर भी है स्कूल के, तो मतलब आपके फैमिली का क्या रोल रहा है आपके ये पूरे सफर में? तो फियोना जी, सफलता के पीछे फैमिली का योगदान तो बहुत होता ही है, क्योंकि मैंने जो तैयारी की या वो उसका तो फल है ही है, लेकिन इस तैयारी के पीछे मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने भी बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत सफ़र किया है. जैसे मैं 12th तक तो गांव में ही था, तो गांव से जैसे फर्स्ट ईयर में मैं जोधपुर पढ़ने के लिए आया, तो उसके बाद फैमिली भी यहाँ शिफ्ट हो गई, तो पिताजी की पोस्टिंग फिर भी वही थी, तो सैटरडे संडे आना, वहाँ अकेले रहना, तो उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए सफ़र किया है. तो बिल्कुल, और मदर ने जो है हमेशा कभी भी जैसे रात को 11 बजे भी पढ़ते पढ़ते कि चाय पीनी है, तो खुद तो इतनी अच्छी बनाते नहीं है, तो उस टाइम भी कभी मना नहीं किया कि नहीं. तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल रहता है. छोटा भाई जो है वो हमेशा मोटिवेट करता है मुझे कि यार यू हैव दैट आईक्यू और तुम कर सकते हो आराम से. तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल है फैमिली का. छोटा भाई, आपके छोटे भाई भी एक्चुअली इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट? जी. तो कैसा है रिलेशनशिप आपका अपने भाई के साथ? बिल्कुल फ्रेंड जैसे हैं, और वो मुझसे 1.5 साल छोटा है, तो एकदम फ्रेंड जैसे ही रहते हैं शुरू से. हमेशा साथ साथ ही स्कूल गए हैं, साथ साथ में, ठीक है वो एक क्लास मुझसे पीछे था, अच्छा, बाकी साथ साथ ही खेलने जाते हैं, तो एकदम फ्रेंड जैसे ही है. बिल्कुल परफेक्ट. तो एक्चुअली मेरे पास एक मैसेज है स्पेशल सी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक मिनट. पहले तो भाई आप हमें बताएंगे कि ये कौन है हमारे सारे व्यूअर्स को, उसके बाद आप ये मैसेज देख सकते हो. जी, ये छोटा भाई है मेरा. तो ये मैसेज आपके लिए, ये मैसेज तो आपको ही सुनना चाहिए. प्ले कर लीजिए. भानसा स्कूलिंग से ही बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा, बहुत ही इनोवेटिव पर्सन थे. ठीक है उनके 10th या 12th में एवरेज नंबर थे, लेकिन उनके जो टीचर्स थे उनका हमेशा से मानना था कि ठीक है इस स्टूडेंट के नंबर एवरेज है, लेकिन ये आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेगा. और ये चीज़ मुझे भी हमेशा से पता थी कि भानसा अलग ही तरीका का कैलिबर रखते हैं पढ़ाई में, और वो आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेंगे, ये मुझे चीज़ का पहला आइडिया ही था. और उसके बाद में भानसा का जैसे सेकंड ईयर टीचर में भानसा का सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद में भानसा ने 3-4 जो कंपटीशन थी उनमें भी भानसा की बहुत अच्छी रैंक लगी. लेकिन हमेशा से भानसा ने इनमें कभी भी नहीं कहा कि मेरा सिलेक्शन होगा, उनका उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा नहीं हुआ, फिर भी भानसा की हमेशा अच्छी रैंक लगी. उसके बाद में 2013 का जो एग्ज़ाम था उसमें भानसा के मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी ठीक है मैथ्स में भानसा के अच्छे नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर रह गए. लेकिन 2016 का मैथ्स का जो पेपर था उसको देखते ही भानसा ने कह दिया था कि इस बार मेरे एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा हुआ. तो मुझे पता था कि भानसा टॉप 10 में तो आने ही वाले, उसमें मुझे कोई ताजुब था ही नहीं. और मुझे अभी भी याद है कि भानसा का फ़ोन आया कि मैं फर्स्ट रैंक पर आया, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा मन नहीं हुआ, क्योंकि भानसा हमेशा से इस सफलता के हकदार थे. और मेरा तो यही कामना है कि भानसा हमेशा अपने जो जॉब है उसमें भी भानसा इसी ईमानदारी से इसी इनोवेशन के साथ में अपना काम करे.
बहुत ही स्वीट मैसेज. डेफिनेटली बहुत ही स्वीट मैसेज है. क्या था इनका नाम? महेंद्र सिंह. महेंद्र सिंह. घर का नाम मन्नू है. मन्नू. तो भाई मन्नू आप बहुत ही स्वीट हो और ऐसा छोटा भाई तो आई थिंक हर एक को यू नो बहुत ही खुशनसीबी से मिलता है जो अपने भाई को इतना आइडलाइज करता है और अपने भाई को इतना मोटिवेट करता है. सो मतलब ये तो टू गुड था मन्नू का आपके लिए. बिल्कुल. वो हमेशा से मुझे मतलब मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस उसको है मुझ पे. वो हमेशा कहता है कि यार यू कैन डू इट, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप सोच लो तो. उसको हमेशा से मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, खुद के ऊपर थोड़ा कम है. तो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हो कि भाई तेरा भी हो जाएगा मन्नू? नहीं बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि यार सेम जीन्स है तो तेरे अंदर भी उतना का उतना IQ है सब है. और वो है भी बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा लापरवाह है पढ़ाई को लेके. तो अब थोड़ा सीरियस भी हो रहा है मेरी रैंक के बाद. तो इस बार वो प्री दिया हुआ है, होप करता हूँ कि इस बार उसकी अच्छी रैंक आए RAS में. परफेक्ट. तो भाई मन्नू हमारे सबकी तरफ से तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर बहुत जल्द आपका भी सही नंबर आने वाला है और आप भी बहुत जल्द यहाँ हमारे साथ बातें कर रहे होंगे, राइट? बिल्कुल. तो मन्नू के बारे में बात हो गई, आपके पापा के बारे में, मम्मी के बारे में भी बात हो गई. तो एक चीज हमें बताइए कि आपके पापा हेडमास्टर रहे थे, तो टीचिंग स्टडीज हमेशा आपकी फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट चीज रहा है, ठीक है? तो ऐसे बहुत लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे फैमिली में तो कोई ऐसे यू नो टीचिंग बैकग्राउंड से था नहीं, तो पढ़ाई पे कभी इम्पोर्टेंस नहीं थी. तो क्या लगता है कि एक्चुअली ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्टी होता है ऐसे एग्जाम्स क्रैक करना, कि ये भी एक बहाना है? मेरे हिसाब से तो अगर आप कुछ करना चाहो तो कर ही लेते हो. बाकी ऑब्वियसली इसका फायदा तो होता है, अगर आपकी फैमिली में कोई है जो पहले से RAS है या IAS है तो उनको बहुत अच्छी गाइडेंस तो मिलती है. जैसे पिताजी टीचिंग में थे तो वो उनको हमेशा से पढ़ाई का महत्व पता था. तो कई जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि रूरल बैकग्राउंड में जो है लोगों को पढ़ाई का महत्व पता नहीं होता. एक दो महीने जब फसल कटनी होती तब वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि दे डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस. लेकिन मुझे ये फायदा था कि मेरे पिताजी को हमेशा से ये चीज़ पता थी कि पढ़ाई से ही जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसकी आगे पर्सनैलिटी बनती है, अच्छी जॉब या अच्छी पोजिशन पर वो पहुँच सकता है. तो उस रूप में मुझे काफ़ी फायदा हुआ कि उन्होंने अगर मैंने कह दिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो फिर मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, या मैंने कह दिया कि मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे ये बुक्स लानी है, मुझे यहाँ यहाँ से कोचिंग करनी है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया. कैसे भी करके उन्होंने अरेंज किए, भले किधर से भी कुछ भी करना पड़े अरेंज करके हमेशा मेरे लिए वो व्यवस्था की उन्होंने, क्योंकि उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता था. तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आप गांव से थे इसलिए आपके पास शायद उतनी रिसोर्सेज नहीं थे प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए सब कुछ आप खुद किए, उसके बाद आप जोधपुर आ गए, वहाँ पे आपने प्रिपेयर किया. तो क्या आपको ऐसे लगता है कि अगर शायद आप किसी और सिटी में रहते, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या तो आपके पास ज़्यादा सुविधाएँ होती तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजियर होता फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर देने, या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूलिंग तक अगर इतना अवेयर नहीं भी है, अगर आप सिर्फ अपनी क्लास के ऊपर ध्यान दें कि मुझे अच्छे से अच्छा करना है, उतना सफिशियंट है. या कॉलेज के टाइम है तो आपके जो भी सब्जेक्ट है उनको आप अच्छे से पढ़ ले, तो इतना करना काफ़ी होता है. बाकी हो सकता है अगर शुरू से सिटी में रहते तो थोड़ा माहौल तो मिलता है पढ़ने का, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जैसा चाइल्डहुड रहा शायद ही किसी का ऐसा चाइल्डहुड रहा होगा. मतलब इतना फ्री और बिल्कुल पढ़ाई का तो कभी होमवर्क तो कभी करा ही नहीं घर पे जाके. अच्छा. सिर्फ स्कूल गए, स्कूल के बाद खेलना वगैरह, एग्जाम के दिनों में थोड़ा पढ़ लिया, तो उसकी भी अलग मेमोरीज है. उससे अलग ही एक वो भी एक अलग ही फील है कि इतने फ्री हम रहे हैं चाइल्डहुड में, और बिल्कुल पढ़ाई का तो तनाव नहीं था. पढ़ाई का तनाव नहीं था. तो एक चीज हमें बताइए, आपके भाई ने भी मन्नू ने भी मेंशन किया था कि स्कूल कॉलेज में आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, तो ठीक है आपकी स्कोरिंग, वैसे बताओगे आप हमें मतलब लाइक 10-12 कॉलेज में कैसे थी? मैं सबसे मतलब सॉरी कुछ मीठा हो जाए. जी बिल्कुल. क्या पसंद है आपको? चॉकलेट, ये क्या है भैया? बनोफी. चॉकलेट एंड बनोफी, आप दोनों ही ट्राई कर लीजिए. परफेक्ट. तो हाँ बताइए. एक्चुअली मैं इससे पहले जब मैंने टॉप किया वो शायद 5th क्लास थी, क्योंकि उस टाइम मैं मतलब 5वीं तक मेरा जो एजुकेशन है वो खेत के पास ही एक स्कूल थी, तो वहाँ बच्चे ही बहुत कम थे, ओनली मेरे क्लास में 4-5 ही थे. तो उसमें मैं फर्स्ट आया था. उसके बाद सीधा मैं पहली बार फर्स्ट आया हूँ, तो हमेशा 3rd-4th मतलब रैंक में जैसे बताया मैंने कभी तनाव नहीं लिया, ना ही पिताजी ने बहुत ज़्यादा कभी यूँ फोर्स किया कि यार पढ़ो ही पढ़ो. वो भी थोड़ा यूँ चाहते थे कि थोड़ा फ्री रहूँ और बाद में पढ़ना ही है. तो हमेशा 3rd-4th था, और हमेशा टीचर्स को ये जरूर पता था कि ये लापरवाह है लेकिन ये इसमें एबिलिटी ज़्यादा है. तो वो चीज़ हमेशा मुझे पता थी कि यार मैं लापरवाह हूँ इसलिए मैं
या मैं पढ़ नहीं रहा इसलिए मैं फर्स्ट नहीं आ रहा, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन जरूर अच्छा कुछ कर लेंगे। तो 10वीं में कितनी थी आपकी परसेंटेज? 10th में मेरे 70% थे। 70%, 12th में? 12th में 64। 64, और आपके कॉलेज में? कॉलेज में 72। भाई 70-60-70 के ही बीच में है भवानी। सो इसका मतलब है आप एवरेज स्टूडेंट ही रहे हो जैसे मन्नू ने कहा। तो भाई आप सब भी जो अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं और सोचते हैं कि भाई टॉपर तो मैं बन नहीं सकता और रैंक वन तो डेफिनेटली ना नहीं सकता, ये आपके लिए एक लिविंग प्रूफ है कि आप भी कर सकते हो। तो अब हो गई बहुत सारी पढ़ाई की बातें और आई थिंक बहुत सीरियस बातें भी हमारी हो गई, हमारे जो टीचर जी बन के आप बैठे हैं। पर मुझे पता है आप इतने सीरियस नहीं हो रियल लाइफ में, लाइक एक रियल भवानी है कौन? बिल्कुल, अभी कैमरा के सामने मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इतनी ज्यादा आदत नहीं है। बाकी जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो बहुत हंसते हैं और सभी कमेंट्स करते रहते हैं लोगों के ऊपर, और मतलब एक दूसरे को कैसे भी करके कमेंट, मतलब क्या मिमिक्री करते हो लोगों के आप? मिमिक्री तो नहीं करते, दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके और कुछ ना कुछ फनी बोलते हैं, मतलब अगले वाले को नहीं सुनने देते लेकिन खुद आपस में ऐसे मजे करते रहते हैं। कोई ऐसा स्कूल का टीचर था जिसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन रहता है, हमने भी अपने स्कूल के टाइम में किया है, तो कोई ऐसे स्कूल का टीचर जिसके बारे में आप सब दोस्त मिलकर कुछ फनी कुछ बोलते? बिल्कुल, सभी क्या करते ही थे, काफी सारे टीचर्स थे एक्चुअली हमारे। 9th 10th में एक टीचर थे जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो थोड़े दिखते शक्ति कपूर जैसे थे। अच्छा। तो उनको काफी उनको काफी लोग मतलब मिमिक्री करते थे और वो मतलब कैसे बोलते और वैसे काफी रिपीट करते थे, तो चलता ही है स्कूल में। आपने किया है कभी आज कर आप स्क्रीन में हमारे लिए भी शक्ति कपूर? नहीं, वो बोलते शक्ति कपूर जैसा नहीं थे, दिखते शक्ति कपूर जैसे थे, और हमेशा उनका एक मतलब डायलॉग फिक्स था कि काफी चिढ़ाते थे बच्चे उनको, तो वो मतलब बोलते थे फिर कि यार तुम मुझसे मत उलझो और तुम्हें पता नहीं है मेरे ऊपर 3-4 केस हो रखे हैं और मैं पीटता हाथ से हूँ, लेकिन लगेगा मतलब पुलिस केस ऐसे बनता है कि लोहे की रोड से मरा, इतना मेरा हाथ मजबूत है, और इस तरीके से काफी डराते थे वो। 9-10 के बच्चों को ये बता रहे थे आपके टीचर? बिल्कुल ऐसे, मतलब वो फनी, मतलब मारते कभी नहीं थे। अब तो शक्ति कपूर ही लग रहे हैं मुझे। मारते कभी नहीं थे लेकिन वो मतलब ऐसा उनकी आदत थी, डराते थे। बिल्कुल डराते काफी थे। जी जी, ग्रेट ग्रेट। तो अब जब आपने अपने दोस्तों के बारे में मेंशन किया कि आप साथ में ये सब करते थे, मेरे पास एक्चुअली एक और मैसेज है, और इस बार भी आपको हमें बताना है कि ये कौन है, और आपको बताना है। मैसेज देखिए फिर इस पे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरा फ्रेंड है मनोर, 5-6 साल से लगभग ही ऐसी कोई इवनिंग रही होगी जब मैं इसके साथ नहीं हूँ। जी जी जी, देखते हैं मनोर ने क्या बताया। मेरा नाम मनोर राजपुरोहित है, आरएस टॉपर भवानी सिंह मेरे अजीज मित्र है। भवानी सिंह और मैंने काफ़ी समय तक पढ़ाई साथ में की है, और जब भी टाइम मिलता तो हम दोनों क्रिकेट खेलने, कुश्ती लड़ने या फिर मूवीज देखने चले जाते थे। उससे जुड़ा वाक्य मेरे को अभी भी याद है। जिस दिन आरएस का रिजल्ट आने वाला था उस दिन हम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो उनकी बैटिंग आई और क्रिकेट बैटिंग करने लगे, और मैं बाउंड्री पे फील्डिंग करने चला गया। उनका फ़ोन मेरे पास था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो उनको मैंने कहा अभी फ़ोन आ रहे, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने शॉट मारा और वो कैच मैंने पकड़ लिया, फिर मेरे पास आए, ये कैच तूने पकड़ कैसे लिया, इतना खतरनाक शॉट था। फिर मैंने कहा तेरे फ़ोन आ रहे, फ़ोन देख ले पहले। तो उन्होंने फ़ोन देखा तो उसमें बहुत सारे कॉल आए हुए थे, उसमें से एक कॉल आ भी रहा था, तो उन्होंने उठाया तो उनको खबर मिली कि वो आरएस टॉप कर लिए। जब उन्होंने रिजल्ट खोलने की कोशिश की तो सर्वर डाउन आ रहा है, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने उनके पास शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी मेंबर का फ़ोन आया, उनको बधाई मिली, तब उन्होंने विश्वास किया कि मैंने आरएस टॉप कर लिया है। आरएस बनना तो उनका लक्ष्य हमेशा से ही था, पर आरएस टॉप कर लेंगे उनको खुद को विश्वास नहीं था, और हमारे लिए ये पल बहुत अच्छा था। जी, ये क्या पर आरपीएससी सेक्रेटरी से फ़ोन आया था, मेंबर से नहीं? जी जी जी। ओके ओके, तो इनका नाम क्या था? मनोहर सिंह। मनोहर, तो ये भी आपके बहुत लगभग 5-6 साल से हम हमेशा इवनिंग में साथ ही रहते हैं, और कब अधिकतर इसी के साथ में। इन्होंने कहा आप लोग कुश्ती में चले जाते थे, आप कुश्ती भी खेलते थे? जैसे कभी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते थे, कोई प्लेयर नहीं होते तो गार्डन में जाते, और फिर ऐसा तो मतलब यूं शाम को लगता ही था कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो दो जन कुश्ती में, तो कई बार हम दोनों कुश्ती भी कर लेते हैं। ओके ओके, तो भाई मतलब ये तो तय दिख रहा है कि भाई आपके फैमिली भी यही बोल रही है, फ्रेंड्स भी यही बोल रहे हैं कि आपका लक्ष्य तो हमेशा से फिट सेट था। जी बिल्कुल, मतलब आरएएस तो मुझे बनना ही। और ऐसा लगता है आपको कि अगर सपोज अगर आप दिल्ली में होते तो शायद आप ये नहीं सोच के आपकी
यू नो थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग से ही आईएएस के लिए होती? जी बिल्कुल, ये मैंने बीएससी जब मैं 12th के बाद मैंने बीएससी स्टार्ट की तो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था जी जी। उसका कारण ही यही था कि मेरे बड़े ब्रदर थे वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लिश मीडियम से थोड़ा अपर हैंड रहता है आईएएस में, तो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया। और मैं ये चाह रहा था बीएससी के बाद मैं दिल्ली जाऊँ या एमएससी करूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो थे उनका कहना था कि एक बार कोई ना कोई जॉब अगर हो, सिक्योर जॉब हो, कि हम जिस बैकग्राउंड से आए वहाँ पर आईएएस में मतलब ऐसा लगता है कि असंभव जैसा लगता है हमें, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, लेकिन फैमिली में पापा को थोड़ा यूं डर था कि यार क्या पता 2-3 साल पढ़ेगा होगा नहीं होगा, डिप्रेस हो जाएगा। उन्होंने कहा एक बार बीएड कर ले, टीचिंग की जॉब तो आसानी से लग जाएगी तेरे, इतना तू मतलब कर लेगा, तो उसके बाद तेरे को आरएएस करना, आईएएस करना है, जो भी करना है करना। तो उसके बाद जैसे ही टीचिंग में आया फिर दिल्ली जाने का मौका ही नहीं मिला, और कभी आईएएस का सिलेबस भी शायद मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने यही टारगेट बना लिया कि आरएएस का सिलेबस जो है इसे मैं कर सकता हूँ, और उसी के ऊपर फोकस लगा। बाकी था बीएससी के जस्ट बाद शायद मेरा ज्यादा रुझान जो था वो यूपीएससी के लिए था। परफेक्ट, तो चलिए अब तो बहुत सारी बातें हो गई, अब एक सेक्शन हमारा आता है रैपिड फायर करके। आपने पहले इससे पहले हमारा कैमोमाइल टी विद टॉपर्स का कोई एपिसोड देखा है? एपिसोड मैंने देखा तो था लेकिन रैपिड फायर नहीं देखा कभी। ओके, तो भाई आज आप खुद ही फेस कर लेना ये रैपिड फायर। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास फन वाले, और इसको आपको जल्द से जल्द मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाना है सोचने में, बस जल्द से जल्द जो आंसर पहले दिमाग में आए वो बताना है। तो चलिए भवानी, हम लोग शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। परफेक्ट, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी? राजकुमार राव। राजकुमार राव, स्त्री मूवी देख ली आपने? बिल्कुल देख ली। कैसी थी? अच्छी मूवी थी, हॉरर कॉमेडी थी, वन टाइम वॉच। परफेक्ट, तो फेवरेट फूड? दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा, परफेक्ट। अ मूवी दैट यू कैन वॉच ओवर एंड ओवर अगेन? सबसे ज्यादा मैंने शायद जब भी मेट देखी है, कम से कम 20-30 बार। शायद करीना की जोड़ी अच्छी लगती है आपको? करीना की जोड़ी अच्छी, मतलब मूवी मुझे वो अच्छी लगी, मतलब एंटरटेनिंग है और देख सकते हैं कई बार। What is the biggest lesson that you have learned from a failure? सही मतलब स्ट्रेटेजी शायद गलत हो जाना या डायरेक्शन कई बार गलत हो जाती है तो फिर चूक जाती है अच्छी पोजीशन। परफेक्ट, an interesting thing that you have seen or read? इस बार जब मैं फ्लाइट से आ रहा था तब मैंने फ्लाइट से मतलब दूसरी फ्लाइट एक काफी हाइट पे देखी थी जी, तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। परफेक्ट, चलिए बढ़िया है। तो अगर आपको एक मौका दिया जाए तो ऐसी कौन सी मूवी स्टार है जिसके साथ आप अपना लाइफ स्विच करना चाहोगे? अगर एक्सचेंज करने की होगी तो मैं मूवी स्टार के साथ तो नहीं करूंगा, क्रिकेटर के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि उनको मतलब क्रिकेट तो खेलते ही है और इतने पैसे भी मिलते हैं, इतना मतलब फेम भी मिलता है, अलग अलग जगह जाके खेलते लोग भगवान मान लेते हैं। बिल्कुल, तो क्रिकेटर के साथ मैं मतलब एक्सचेंज करना चाहूंगा अपनी लाइफ। और कौन होगी वो क्रिकेटर? भुवनेश्वर कुमार, थोड़े सिंसियर और ऐसे एकदम लगते हैं वो। ग्रेट ग्रेट, गुड चॉइस। तो एक फेवरेट कोट किसी किताब की या कोई ऐसा डायलॉग किसी भी मूवी का, आपने कहा बहुत सारी मूवीज देखते हो, तो कोई ऐसी डायलॉग किसी मूवी का जो आपको बहुत अच्छी लगती है या बहुत बोलते हो उसके बाद? दो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, एक तो ओम शांति ओम से शायद जो तो हर तैयारी करने वाले का होगा ही होगा जी जी, कि आप किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, तो ये तो मैंने वाकई में फील किया। अगर आप मतलब किसी चीज को वाकई में अपना एफर्ट्स पूरा डाल देते हो ना तो आपको जरूर वो मिल ही जाता है, कभी न कभी हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, अगर डायरेक्शन सही है तो जल्दी मिल जाती है। और दूसरा जो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है वो गाइड मूवी का है, कि जब वो जेल में होते हैं देवानंद और वहीदा रहमान उनसे मिलने आती है, तब वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं समझ सकी और मैं तुम्हें नहीं समझ सका, ऐसे करके वो भी काफी मतलब अच्छा लगता है डायलॉग, बार बार देखने का मन करता है। शाहरुख खान से लेके देवानंद, काफी बड़ी आपकी स्पैन ऑफ इंटरेस्ट जी। परफेक्ट, तो ऐसी कोई एक चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है या सबसे बुरी लगती है एक टॉपर होने पे? सबसे बुरी तो ये लगती है फोन बहुत आते हैं, बहुत मतलब कई बार मुझे लगता है कि शायद जिनको तैयारी भाई हमारे कॉल्स तो आप रिजेक्ट नहीं करोगे ना, एक्सेप्ट करोगे ना, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बताते 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 थक जाते हैं फिर कि यार कितना बताए क्या बताए, एक ही चीज रटना है, रिकॉर्ड करके रख दीजिए भाई, जो कॉल करे वही बताते हैं। यूट्यूब पे अनअकैडमी का वीडियो बनाया आप वो देख लीजिए। ओके परफेक्ट, सो वुड यू रादर लाइक टू रीड पीपल्स माइंड और वुड यू लाइक टू लुक इनटू द फ्यूचर? अगर आपको एक पावर मिले, फ्यूचर देखना चाहोगे या किसी का माइंड रीड करना चाहोगे? माइंड रीड करना। ओके, सबसे पहला कौन होगा जिसका आप रीड करना चाहोगे? सबसे पहले तो आप ही हो अभी सामने अचानक से, तो सो दैट आप जान लो कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। जी बिल्कुल भाई, जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी शायद यही चाहेंगे पहले से एग्जामिनर का। बिल्कुल परफेक्ट,
एक चीज जो आपको बाकियों से अलग करती है या डिफरेंट प्रूव करती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत इजी गोइंग हूँ, ज्यादा तनाव नहीं लेता, ठीक है मिल गया तो मिल गया और चिल है सब, हो मतलब यूं लगता है करेंगे तो मिल ही जाएगा, फिर उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते और ज्यादा यूं सोचते नहीं है, दिखता ही ऐसा है, मुंह थोड़ा सीरियस है बाकी अंदर से बिल्कुल चिल रहते हैं कि ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे, शांति जी। परफेक्ट। तो ऐसी कोई चीज जो आप एक 15 साल के भवानी को एडवाइस दोगे? 15 साल के भवानी को जब मुझे पता है कि यार मेरे अंदर इतना कैलिबर है तो शायद मैं बीएससी के बाद पहले ही यूपीएससी वाला सोचता, इंग्लिश मीडियम से। परफेक्ट। मतलब 15 साल के भवानी को आप यही बोलते कि बेटा तू बहुत स्मार्ट है, यूपीएससी की तैयारी कर ले, हो जाएगा। ग्रेट। तो अगर आज मैं वापस से आपको आरपीएससी आरएएस वाला पेपर फिर से दे दूं, एक नया पेपर, तो क्या लगता है आपका क्या, आपकी कौन सी रैंक आएगी? अब एक बार फर्स्ट आई गई है तो उसको छोड़ने का मन तो नहीं है। तो लगता है आपको इस बार भी फर्स्ट आई रहेगा? लगता है, फिर तो डिपेंड करता है, बाकी लगता है ऐसा है कि अपने अगर 100% डालेंगे तो फर्स्ट का तो देखो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अंडर 10 या अंडर 50 तो आई जाएंगे। परफेक्ट। रैंक का तो ऑब्वियसली एक लक भी फैक्टर है। परफेक्ट। तो भाई इस नेक्स्ट पेपर में आपका रैंक 1 आएगा या नहीं वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने इतने बढ़िया दिए हैं कि आप रैंक 1 हो मेरे क्वेश्चंस के लिए। तो उसके लिए अनअकैडमी की तरफ से मेरे पास कुछ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो ये है अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत भारी है काफी कुछ जी, ये हमें हमारे सब टॉपर्स ने कहा है, भारी भरकम प्यार है अनअकैडमी का आपके लिए। परफेक्ट। तो अब इतनी सारी बातें भी हो गई आपके साथ, ये रैपिड फायर करके भी बहुत मजा आया भवानी, पर अब जो जितने भी लर्नर्स हैं हमारे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के आरएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आप उन सब के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहोगे जो मे बी हर एक को सोचना चाहिए या याद रखना चाहिए जब जब उन्हें ऐसा लगे कि अब नहीं होने वाला, गिव अप करने के पहले उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आप कोई टारगेट एक बार सेट कर लेते हो तो फिर आपको मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहने हैं, अगर आपके सही डायरेक्शन में एफर्ट्स होंगे तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालते रहोगे कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कभी भी आप हार नहीं माने, कभी भी ये नहीं सोचे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, तो एक तो आप कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहें और जितना आप चिल करेंगे, जितना मतलब फ्री माइंड आप पढ़ेंगे और जितना आप टेंशन फ्री रह के एफर्ट्स करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्योंकि टेंशन लेने से वैसे भी आपकी जो कैपेसिटी है वो कम ही होती है, तो जब भी आपको लग रहा है कि यार एनर्जी थोड़ी कम हो रही है तो अच्छा एंटरटेनमेंट, कोई मूवी देख ली, कोई हॉबी वाला काम कर लिया जिससे आप में आपके अंदर वापस एनर्जी आ गई, क्योंकि एट द लास्ट जो है आप कितना ही डायरेक्शन के पीछे भागो या कितना ही गाइडेंस के पीछे भागो, सबसे मेन तो ये है कि आपके पास जो सिलेबस है आपको उसको 3 से 4 बार पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं है, बाकी लोग कुछ भी कहते रहेंगे कुछ भी होता रहेगा, सबसे मेन तो ये है सिलेबस को आपको पूरा पढ़ना है, तो उसके लिए आप एंटरटेन भी रहे और पूरे मतलब अच्छे से 3-4 बार सिलेबस को पढ़ ले तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज वगैरह दे, ऑनेस्ट रहें इंटरव्यू में, बिल्कुल एक तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करें, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये डिजर्व करता है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी रखें, जितनी सिंपल होगी उतना सरलता से जो है आपको सफलता मिलेगी। ग्रेट। तो कैसा लगा आज भवानी हमारे साथ यहाँ इस शो पर आकर? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आज अनअकैडमी के इस वीडियो में, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई और मुझे आई होप कि जो भी देख रहे हैं उनको फायदा भी जरूर होगा इससे। डेफिनेटली। तो भवानी सिंस आपके साथ हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं चाहूँगी कि आप कोई अपने दोस्त जो यू नो टॉपर्स या रैंकर्स भी है किसी और को आप टैग करें जिसके साथ हम नेक्स्ट एक एपिसोड करें। मैं टैग करूंगा जयपाल सिंह राठौड़ जो अभी आरएस 2016 में 15वीं रैंक है और हम दोनों के सेकंड ग्रेड टीचर की सर्विस जो है वो साथ में लगी थी और वो मेरे लाचू कॉलेज में 1 साल सीनियर थे, काफी ज्ञानी व्यक्ति है और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर आकर बता के जाएंगे ऐसा होप करता हूँ। तो जयपाल जी आपका जितना ज्ञान है हम रेडी है लेने के लिए, तो बहुत जल्द आपके साथ भी हमारी एक टी विथ टॉपर्स होने वाली है, कैमोमाइल टी विथ टॉपर्स, तो हमारी टीम बहुत जल्द आपको कॉन्टेक्ट करने वाली है। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताना था कि काफ़ी सारे लर्नर्स और जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो मुझे पूछते रहते हैं क्या स्ट्रेटेजी रखे कैसे करें, तो एक शॉर्ट वीडियो स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो अनअकैडमी के लिए मैं अलग से बना रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी या मेरे हिसाब से आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ग्रेट।
मतलब इतना कुछ सुनकर आपसे बहुत ही अच्छा लग रहा है भवानी, और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे सारे लर्नर्स के लिए, जैसे भवानी ने कहा, चिल कीजिए, तनाव मत रखिए, पढ़ाई कीजिए, अपनी रिविजन अच्छे से कीजिए और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगी। तो भवानी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम द एंटायर अनकैडमी एंड कैमोमाइल टी विद टॉपर्स की टीम हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड आई होप आपका टाइम यहाँ पे अच्छा रहे, एंड आई होप आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है, राइट? ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई, कुछ कोर्ट केसेस की वजह से डिले हो रहा है। जी जी जी, तो वो कब है ज्वाइनिंग आपकी? अगर इस वीक अगर डिसीजन आ जाता है तो शायद इसी महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी जी, वो आरपीएससी का जो सिचुएशन चल रहा है ना। परफेक्ट, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर कि जब आप एक बार अपनी ड्यूटी पे चले भी जाओगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करोगे, एक साफ दिल है आपका। सो वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस भवानी। थैंक यू फियोना, एंड थैंक यू टू ऑल अनअकैडमी टीम। थैंक यू।